भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां 11 बार सरकार बदली, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 6 बार अलग अलग मुख्यमंत्री बना। ये हमारे राज्य में एक निर्दयी मुख्यमंत्री भी बना और वो है सबसे बड़ा घोटालेबाज, यहाँ झारखंड का पहला और भारत का तीसरा ही दिल्ली मुख्यमंत्री श्री श्री मधु कोड़ा जी। मधु कोड़ा जी ने अपने शासन काल में 34,000 करोड़ का घोटाला किया। इस सामने जो हमारे गिरवा पहाड़ देख रहे हैं ना, उस 34,000 करोड़ से हम इस पूरे पहाड़ को ढक सकते थे। 4 करोड़ की रिश्वत लेने का इस पर जुर्म भी सिद्ध हुआ। इसी घोटालेबाजों के कारण आज हमारा झारखंड गरीबी में जी रहा है। भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा, उतना तो झारखंड को झारखंड के गद्दार नेताओं ने लूट लिया। इतना सारा कुछ होने के बावजूद मैं झारखंड की बेटी सुषमा कुमारी धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के सहराज पंचायत के रामपुर महापुर के स्वामी धरती पर देवी कैसे के सभी सदस्यों तथा यहाँ आए सभी लोगों को जोहार करती हूँ। जब भी मैं इस राज्य के इतिहास को पढ़ती हूँ, हमारे वीर योद्धा के संघर्षों की गाथा से मैं खुद को गर्व महसूस करती हूँ। दूसरी ओर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 2023 तक के इतिहास को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इस राज्य की पीड़ा को देखकर बिलक बिलक कर होता है। भारत का सबसे अधिक खनिज उत्पादन करने वाला राज्य हमारा झारखंड गरीबी में 2 नंबर पर क्यों है? हमारा राज्य पूरे देश को लोहा, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, कोयला तथा सबसे उच्च कोटि के मस्कोवाइट अभ्रक देता है, जिनकी मांग आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। फिर भी हमारा राज्य गरीबी में 2 नंबर पर क्यों? मैं बताती हूँ, इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है तो वो है इस राज्य की शासन में बसा गलत लोगों के हाथ में होना। भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ 11 बार सरकार बदली, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 6 बार अलग अलग मुख्यमंत्री बना। और एक आश्चर्य की बात बता दूं मैं आप सबको कि हमारे राज्य में एक निर्दयी मुख्यमंत्री भी बना और वो है सबसे बड़ा घोटालेबाज, यहाँ झारखंड का पहला और भारत का तीसरा ही दिल्ली मुख्यमंत्री श्री श्री मधु कोड़ा जी। उन्होंने अपने शासन काल में 34,000 करोड़ का घोटाला किया। ध्यान से सुनिएगा, मधु कोड़ा जी ने अपने शासन काल में 34,000 करोड़ का घोटाला किया, जिससे मतलब जितना सोच भी नहीं सकते। यू कहे इस सामने जो हमारे गिरवा पहाड़ देख रहे हैं ना, उस 34,000 करोड़ से हम इस पूरे पहाड़ को ढक सकते थे। और इतना ही नहीं, 4 करोड़ की रिश्वत लेने का इस पर जुर्म भी सिद्ध हुआ। पता चलने पर 144 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई और हंसी तो तब आती है जब दिसंबर 2017 में इन्हें दोषी ठहराया गया और मात्र 3 साल की जेल की सजा और 25 लाख का जुर्माना दिया गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, जहां इन्होंने 34,000 करोड़ का घोटाला किया जिससे हम इस पूरे पहाड़ को ढक सकते थे, वहां भी बोलो उन्होंने 25 लाख दिया। जो हमारे विक्रम भैया दिख रहे ना, इनके दोनों जेब में पॉकेट में जाएंगे 25 लाख रुपए। तो आप हमें बताइए कि ऐसा में कौन सा नेता घोटाला नहीं करना चाहेगा? इसी घोटालेबाजों के कारण आज हमारा झारखंड गरीबी में जी रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा, उतना तो झारखंड